दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पंजाब सरकार ने अपने बजट में किया हुआ वायदा आज पूरा कर दिया। आज से पंजाब की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर बिल्कुल निशुल्क हो गया। सरकार के इस फैसले पर महिलाओं ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सरकार का यही फैसला महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है। इसी तरह सरकार को अन्य सरकारी कार्यों में भी महिलाओं को फीस में छूट देनी चाहिए। वहीं आज रोडवेज के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि पहले महिलाओं की सवारी एक बस में 10 से 15 होती थी, वहीं आज पहले दिन ही सवारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई। अब 20 से 25 महिलाएं सफर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड दिखाकर महिलाओं को टिकट में छूट दी गई है। वहीं महिलाओं ने कंडक्टर की ओर से दी गई टिकट भी दिखाई, जिसमें किराए की जगह पर मात्र 0 लिखा गया था। कुल मिलाकर पंजाब सरकार ने अपने अंतिम बजट में महिलाओं से किया वायदा पूरा कर दिया और आने वाले दिनों में देखना होगा कि 0 किराए की खुशी में महिला वर्ग सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में कितने अंक देगा। सुमित्रा को जी, आज हम लौट तो आए जी, रोडवेज नहीं जी जी, बहुत खुशी हो रही है। कोमल नाम है ते असी राजनगर राजस्थान रहने वाले हां। ओथो असी राजनगर तो मुक्सर आए हैं हुन, ते मुक्सर वास्ते हुन 450 रुपए किराया लग गया। किथे 400 रुपए लगना नहीं चाहिए लेडीज वास्ते, तो वैसे भी किराया तो वैसे कम करना चाहिए। राजेंद्रपाल सब इंस्पेक्टर होर बस स्टैंड तो, जो भी पंजाब सरकार ने महिलाओं को दिया गया है अपना फ्री सफर का जो भी ऐलान किया है, बहुत वधिया उपराला किया है। तो महिलावान भी इस विच बहुत खुश है हन। तो जो भी अगे जो सवारी सी अगे तो 10 या 15 20 दे विचकार मतलब सवारी रोडवे विच सफर करदी सी, तो हुण कुछ उम्मीद है शायद इधर नालों ज़्यादा बेटर मतलब। तो पर इहदे विच आपां नूं आधार इहदे विच प्रूफ भी आई डी प्रूफ भी आपां नूं चाहीदे ने। आई डी प्रूफ कोई भी होवे, आधार कार्ड होवे, पैन कार्ड, पंजाब दा रेजिडेंट होवे, ਉਹ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 40 ਉਮੀਦ ਹੈ, 40-45 ਦੀ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ।